हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस क्रॉप लिमिटेड के बारे में, और साथ ही में देखेंगे इसके आई हुई गिरावट के बारे में कि क्यों गिरावट देखने को मिली इसके शेयर प्राइसेस में या चार्ट पैटर्न में। तो चार्ट पैटर्न एनालिसिस भी करेंगे, और देखने वाले हम इसके ऊपर जो आए हुए टारगेट्स है कि कल के शॉर्ट टर्म टारगेट्स कैसे बनते हैं, तो उन सभी को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए इसके पिछले 5 दिन का, अगर आप एनालिसिस देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा इसके अंदर एक जो स्टॉक है वो एक गिरावट में देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस के तौर पर। जैसे स्टॉक प्राइसेस लगातार फॉल हो रही है, तो इसके चलते अगर यहाँ पे बाइंग पॉइंट देखते हैं आप, तो बाइंग पॉइंट मुझे जो लगता है यहाँ पे महीने भर के एनालिसिस के बाद वो है समथिंग, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 23.25 पे बाइंग आनी चाहिए, 23.40 का टारगेट लेना चाहिए पहला। दूसरा टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पर 23.35 भी ले सकते हैं आप पहला या दूसरा, और तीसरे का 23.70। तो आज का वीडियो इतना ही, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।